एसपी ऑफिस में पदस्थ प्रधान आरक्षक कोरोना पॉजिटिव, कार्यालय सील। राजधानी के थानों के बाद अब कोरोना वायरस एसपी ऑफिस तक पहुंच गया है। आज एसपी ऑफिस के होम शाखा में पदस्थ प्रधान आरक्षक कोरोना पॉजिटिव मिला है। दो दिन पहले प्रधान आरक्षक ने तबीयत खराब होने के बाद कोरोना टेस्ट कराया था। रिपोर्ट में आरक्षक के पॉजिटिव मिलने के बाद एसपी ऑफिस को सील कर दिया गया है। रायपुर में हुआ बड़ा हादसा, गड्ढे में डूबने से बच्चे की मौत। राजधानी के बोरिया खुर्द इलाके में गड्ढे में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई है। परिजनों ने बताया कि उनका बच्चा बीती शाम घर से निकला था और खेलते खेलते घर के सामने गड्ढे में डूब गया। गड्ढा इतना गहरा था और बारिश के पानी से भरा हुआ था, जिसके कारण बच्चे का शव ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया। पत्रकार और फिल्म डायरेक्टर बताकर दिया शादी का झांसा, आरोपी गिरफ्तार। आरंग थाना क्षेत्र में हुई दुष्कर्म की एक वारदात के फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 28 जून को 28 साल की एक शादीशुदा महिला ने आरंग थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने मंदिरेश्वर थाने में ग्राम बहाना काड़ी के रहने वाले जगत खंडेलवाल के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी। रायपुर में व्यापारी से ऑनलाइन ठगी, खाते से उड़ गए 1,10,000। राजधानी के मौधापारा थाना क्षेत्र में एक व्यापारी ठगी का शिकार हुआ है। कैमरा रिपेयरिंग कराने के लिए व्यापारी ने इंटरनेट से सर्विस सेंटर का नंबर निकालकर कॉल किया। सेंटर से कॉल करने पर 5 रुपए का टोकन मनी लगाने की बात कही गई और व्यापारी ने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। इतना ही नहीं, फोन पर आई ओटीपी भी सर्विस सेंटर को दे दी। 108 एम्बुलेंस के 15,000 कर्मचारी नाराज, मौधापारा थाने क्षेत्र में कंपनी के खिलाफ एफआईआर की मांग। दरअसल जीबीके ईएमआरआई से 108 अस्पताल एम्बुलेंस सेवा छीनी जाने के बाद जब अंबे कंपनी ने 108 एम्बुलेंस का संचालन दिसंबर 2019 से शुरू कर दिया, वहीं नवंबर 2019 में काम कर चुके कर्मचारियों के वेतन और ग्रेजुएटी के लिए जीबीके कंपनी घुमा रही है, इसी को लेकर कर्मचारी नाराज हैं। कोरोना ने तोड़ा रिकॉर्ड, देश में संक्रमितों की संख्या 10 लाख के पार। देश में कोरोना के मामलों ने रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज कर रखी है। बता दें कि बीते 24 घंटे में देश में 34,956 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। भारत में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई है। मुख्यमंत्री को ईमेल के जरिए मिली धमकी, मचा हड़कंप। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 2 मेल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है। सीआईडी मामले की शिकायत दर्ज कर अनुसंधान कर रही है। वहीं पूरे मामले में कोई भी अधिकारी कुछ कहने से बच रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की सुरक्षा की व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, अब 65 साल से अधिक उम्र के नागरिक पोस्टल बैलेट से नहीं कर पाएंगे वोट। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव एवं निकट भविष्य में होने वाले अन्य उपचुनावों में 65 साल से अधिक उम्र के नागरिकों के लिए पोस्टल बैलेट सुविधा नहीं देने का फैसला किया है। हालांकि आयोग ने दिव्यांगों, 80 साल से ज्यादा उम्र के मतदाताओं, जरूरी सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों के साथ साथ कोरोना संक्रमितों को विकल्प के तौर पर पोस्टल बैलेट से मताधिकार के इस्तेमाल की इजाजत दी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस को लिखा पत्र, पूछा 5 लाख का इनाम किसको दें। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस विभाग को एक पत्र लिखा है, जिसमें उसने पूछा है कि गैंगस्टर विकास दुबे को पकड़ने वाले शख्स को दिए जाने वाले 5 लाख रुपए का इनाम किस व्यक्ति को देना है। इस इनाम की घोषणा यूपी पुलिस ने दुबे के बारे में जानकारी देने वालों के लिए घोषित की थी। बता दें कि 10 जुलाई को ही पुलिस मुठभेड़ में विकास दुबे मारा गया था। हिंदुस्तानी भाव ने खोला मोर्चा, किया एकता कपूर पर क्रिमिनल केस। एकता कपूर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बिग बॉस सीजन 13 फेम हिंदुस्तानी भाव ने वेब सीरीज XXX2 में भारतीय सेना की वर्दी का कथित रूप से अपमान करने को लेकर मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत में क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज कराई है। आज की बड़ी खबर में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए लॉग ऑन करें www.dainandini.in और वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सर्च करें DNX TV।